वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग गियर ड्राइव का एक और लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। थोड़ा सा रह गया था हम लोग का गियर में, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो थ्योरी हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं क्या रह गया जो, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या गियर प्रोफाइल हम लोग का रह गया था, तो गियर प्रोफाइल हम लोग आज देखेंगे गियर प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, तो गियर टूथ का जो शेप होता है, जैसे गियर ये बना हुआ है तो ये जो प्रोफाइल शेप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं गियर प्रोफाइल। ये जिस शेप का होगा वही उसका गियर प्रोफाइल होगा। ठीक है, किस शेप का बना हुआ होता है उसी को हम लोग गियर प्रोफाइल कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाला तो ये मोस्टली फ्लैट फेस रहता है, मगर ये वाला फेस आपका कर्व रहता है, तो इसी कर्व को हम लोग गियर टूथ प्रोफाइल बोलते हैं। कर्व को हम लोग गियर टूथ प्रोफाइल बोलते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये दो प्रकार का होता है, साइक्लॉइडल और इन्वोल्यूट। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये दो प्रकार का आपका होता है, साइक्लॉइडल और इन्वोल्यूट। ठीक है, तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल किसको कहते हैं, क्या होता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल, वो हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन दिया हुआ है, सिंपल है डिफिनेशन ही, केवल पूछता है और इसमें कुछ है नहीं, पूछ देगा केवल व्हाट इज द गियर टूथ प्रोफाइल या एक्सप्लेन द डिफरेंट गियर टूथ प्रोफाइल्स, उसमें आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा। तो साइक्लॉइडल टीथ क्या होता है, तो साइक्लॉइड इज ए कर्व ट्रेस्ड बाई ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग। क्या है, एक सर्किल है जो स्ट्रेट लाइन पे, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पे रोल करता है, तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, जो ट्रेस फॉलो करेगा, वही उसी ट्रेस को कर्व को हम लोग बोलेंगे साइक्लॉइडल टीथ। ठीक है, जैसे देखिए एक पिच लाइन, स्ट्रेट पिच लाइन लिया है, अब इस पे जो कर्व फॉलो करेगा इस पॉइंट से, तो कर्व फॉलो करेगा इस पे अगर सर्किल देखिए रोटेट कर रहा, ये सर्किल है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट फॉलो करेगा, ये स्ट्रेट लाइन जो फॉलो करेगा, ये एक फिक्स पॉइंट जो रहेगा वो फॉलो करेगा इसके सर्कमफेरेंस पे। ठीक है ना, वही उसका प्रोफाइल आपको कहलाएगा। ए साइक्लॉइडल डिफिनेशन के अनुसार देखिए, डिफिनेशन ए साइक्लॉइड इज द कर्व ट्रेस्ड बाई ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस या सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब सर्किल ए है जो कि रोल करता है पिच लाइन पे, जो कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस जो ट्रेस फॉलो करेगा, इस पे एक धागा बांधेंगे और वो धागा जो ट्रेस फॉलो करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सर्किल को, जैसे सर्किल जो ट्रेस फॉलो करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे साइक्लॉइड प्रोफाइल। अब साइक्लॉइड में भी दो प्रकार का होता है, अब सर्किल अगर इनर है या आउटर है उस पर डिपेंड करता है, तो आउटर सर्कमफेरेंस पे अगर ट्रेस फॉलो करेगा तो उसको एपिसाइक्लिक, और जब इनसाइड इनर सर्किल पे जब आपको ट्रेस फॉलो करेगा तो उसको हाइपोसाइक्लॉइड प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, नहीं होगा तो डिफिनेशन के थ्रू आ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि ए सर्किल रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ ए फिक्स्ड सर्किल लाइन। ठीक है, आउटसाइड उसके ऊपर की ओर फॉलो करेगा और आउटसाइड फॉलो करेगा, तो ये वाला आपको एपिसाइक्लॉइड प्रोफाइल देगा, और नीचे वाला सर्किल, ठीक है, जो इनसाइड जो फॉलो करेगा और उसको आपको हाइपोसाइक्लॉइड प्रोफाइल देगा। नेक्स्ट है इन्वोल्यूट टीथ क्या होता है, इन्वोल्यूट भी एक प्रकार का आपका टीथ प्रोफाइल है या टूथ प्रोफाइल है। तो इन्वोल्यूट में जो कर्व जेनरेट होता है टीथ प्रोफाइल के लिए, उसमें कोई लाइन वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, बस सपोज दैट कि कोई सर्किल है उस पे धागा बांधा हुआ है, तो धागा को एक पकड़ लिए और उसको अनबाउंड किए, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, जैसे एक रिंग ले लीजिए, कोई भी रिंग ले लीजिए या कोई सर्कुलर थिंग है उस पे हम
रस्सी लपेट दिए, धागा लपेट दिए, ठीक है, और उसको हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है, फिक्स कर दिए। अब इससे धागा खोलेंगे, जो लाइन ये फॉलो करेगा, देखिए यहां से पी वन की ओर फॉलो कर रहा था, ये आप यही आपका इनवॉल्यूट प्रोफाइल हो जाएगा टिथ का, ठीक है। देखिए और डिटेल में यहाँ पे इनवॉल्यूट टिथ जब जनरेट करते हैं तो कर्व किस तरह से होता है, वो इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों में कंपैरिजन, इनवॉल्यूट टिथ में और साइक्लॉइडल टिथ में दोनों में अंतर क्या है, या दोनों का कंपैरिजन क्या है, तो दोनों का कंपैरिजन लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू इसको कीजिएगा, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। द प्रोफाइल ऑफ इनवॉल्यूट गियर इज सिंगल कर्व, इनवॉल्यूट गियर का जो प्रोफाइल रहता है उसमें सिंगल कर्व होता है, जबकि साइक्लॉयड टीथ का डबल कर्व होता है। साइक्लॉयड टीथ जब बनाएंगे ना, इसके जब पीछे वाला अगर आप लोग देखिएगा, साइक्लॉयड टीथ बनाते हैं तो देखिए आधा ऊपर जो होता है ना, ये आधा जब भी बनाते हैं तो पूरा का पूरा इपिसाइक्लॉयड या हाइपोसाइक्लॉयड नहीं बनता, ठीक है। जब हम लोग साइक्लॉयड टूथ प्रोफाइल बनाएंगे तो आधा आपका बनेगा इपिसाइक्लॉयड और आधा आपका बनेगा हाइपोसाइक्लॉयड। इन्वोल्यूट में ऐसा नहीं होता है, इन्वोल्यूट में ऐसा नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि द प्रोफाइल ऑफ इन्वोल्यूट गियर इज अ सिंगल कर्व, जबकि साइक्लॉयड में जो कर्वेचर होता है वो डबल होता है, इपिसाइक्लॉयड एंड हाइपोसाइक्लॉयड, ठीक है। द प्रेशर एंगल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द एंगेजमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, इन्वोल्यूट में प्रेशर एंगल कांस्टेंट होता है जिसके कारण इसका रनिंग स्मूथ होता है, जबकि इसमें प्रेशर एंगल आपका एक नहीं होता है, क्योंकि प्रोफाइल आपका आधा कुछ और है आधा कुछ और है, तो प्रेशर एंगल इसमें कुछ और रहेगा, हाइपोसाइक्लॉइड में जाएगा तो उसमें कुछ और हो जाएगा, तो वो स्मूथ रनिंग नहीं दे पाता है कंपेरिजन टू इन्वोल्यूट के। इन्वोल्यूट की तुलना में इसमें हल्का फुल्का शोर शराबा या हल्का फुल्का वाइब्रेशन इसमें होता है। दूसरा नेक्स्ट अंतर है, द सेंटर डिस्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ इन्वोल्यूट गियर कैन बी वेरी विद इन लिमिट विदाउट चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। तो पेयर को हम लोग जो टीथ जो मेस कर रहा है इन्वोल्यूट गियर को, जो हम चेंज कर सकते हैं एक लिमिट तक, एक गियर से दूसरा गियर या पिनियन है जो रोटेट उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। द सेंटर डिस्टेंस को लिटिल सॉरी द सेंटर डिस्टेंस ऑफ ए पेयर इन्वोल्यूट गियर कैन बी वेरीड विद इन लिमिट, सेंटर डिस्टेंस को लिटिल बिट अमाउंट में हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 मीटर, एमएम या माइक्रोमीटर में हम लोग उसको 0.1 mm या 1 माइक्रोमीटर इस तरह से हम लोग हल्का हल्का लिटिल बिट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, जबकि आपको साइक्लॉइडल टिप में ऐसा नहीं आप कर पाइएगा, ठीक है। साइक्लॉइडल टिप में सेंटर डिस्टेंस गियर टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट लिया जाता है, उसमें वैरी नहीं कर पाते हैं, और वैरी करते हैं तो बहुत डिजास्ट्रियस प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाता है, उसका टूट जाता है एकदम से, ऑलरेडी प्रेशर एंगल वेरी करा, जैसे हल्का फुल्का इसमें चेंजेस आते हैं प्रेशर एंगल बहुत ज्यादा बदल जाता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिल पाता है आपको, कॉमन टेंजेंट के अलोंग में आपको सेम वेलोसिटी नहीं मिल पाता है दोनों टीथ का, तो वो टीथ को डिस्टॉर्ट कर जाता है, उसका फेस, उसका टीथ फेस वगैरह टूटने लगता है, ठीक है, प्रेशर बहुत हाई हो जाने के कारण, ठीक है। उसी तरह से और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, इन्वोल्यूट गियर हैव इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, इसमें इंटरफेरेंस प्रॉब्लम लगता है इन्वोल्यूट गियर में, जबकि आपको साइक्लॉजिकल टीथ में इंटरफेरेंस नहीं होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर होता है क्योंकि इसमें सिंगल कर्व होता है इसलिए इजी टू मैन्युफैक्चर होता है, और साइक्लॉजिकल टीथ आपका डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर होता है क्योंकि इसमें डबल कर्व होता है, एक ईपी साइक्लिक और एक हाइपोइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड टूथ प्रोफाइल वगैरह आप लोग को नहीं है पढ़ने का, ये सब में काहे जाइएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे तो बहुत ज्यादा दिया नहीं है, फिर डेफिनेशन आप एटलीस्ट याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है डेफिनेशन, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो जिस दौरान एक टीथ दूसरे टीथ से मेस करता है, मेसिंग टीथ जब तक कांटेक्ट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए दो टीथ है इसमें दिया हुआ, एक ये और एक ये,
तो ये स्टार्ट जब मैच करना शुरू मिस करना शुरू करेगा और जब तक एक दूसरे से अलग नहीं होगा, तो जब तक एक दूसरे से अलग नहीं होगा तो कांटेक्ट पॉइंट जिस अलोंग में जाएगा, ठीक है ना, वो डिस्टेंस इसका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, द पाथ, एक बार फिर से देखिए, द पाथ ऑफ कांटेक्ट, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टीथ फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। दो टीथ एक दूसरे से मिस कर रहा है, ठीक है, तो जहां से मिस करना शुरू करता है और जब तक वो खत्म होता है मिस, वहां से जो लेंथ वो फॉलो करता है उसको हम लोग पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं उस पाथ को, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो ये वाला आप दोनों चीज बस याद रखिएगा, ड्राइंग वगैरह का उतना जरूरत नहीं है इसमें, मगर समझ लीजिए कि होता क्या है। ये वाला पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट ये आप लोग लिख लेंगे, अगर संभव होगा तो ड्राइंग बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप लोग डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आप लोगों को क्या जरूरी है। उसी तरह से आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो जो पॉइंट, जब पिच पॉइंट जो आर्क फॉलो करेगा ना, देखो, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द पिच सर्किल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फ्रॉम द बिगनिंग टू द इंड ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द टू, उसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ द कॉन्टैक्ट। उसमें आपका पाथ था, ठीक है, तो पाथ में देखिए लेंथ, इसीलिए बोल रहे थे कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो दूरी था वो हमको लेंथ हो रहा था दोनों का। अब ये जो पिच पॉइंट है, ये जो फॉलो करेगा दोनों, ये गियर जो मिस कर रहा है, तो पिच पॉइंट पे ऑब्वियसली मेसिंग जो गियर का जो मेस, इतना दिन हम लोग 3 क्लास 4 क्लास में जो गियर का जो मेस पढ़े, तो मेस में क्या था कि हमेशा जब जो टच करते हुए जो सर जो गियर को, दोनों गियर जब मेस में किस पॉइंट पे टच करता है तो ऑलवेज पिच पॉइंट, चाहे वो स्टार्ट हो चाहे वो एंड हो, वो ऑलमोस्ट पिच पॉइंट पे ही वो हमेशा वो टच करेगा, पिच सर्किल पे ही वो टच करेगा। तो जितना दूर तक वो पिच सर्किल पे टच करेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो एक पिच का एक हिस्सा हो जाता है, पिच सर्किल का एक हिस्सा हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग आर्क बोलते हैं, एक सर्किल का आर्क बनाता है इस तरह से, ठीक है ना। सपोज दैट ये सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल है, जिसको हम लोग पिच पिच सर्किल बोल रहे थे, तो कोई पॉइंट से सपोज दैट एक दो गियर यहाँ से, दो टीथ यहाँ से मिस करने शुरू हुआ और मिस करके यहाँ तक गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट इसका खत्म हुआ, फिर दूसरा पेयर आ गया मिस करने के लिए, तो ये जो आर्क बना पिच सर्किल पे, इमेजिनरी आर्क, वही उसका कहलाता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और उस आर्क का जितना जो लेंथ होता है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लेंथ वगैरह ये सब तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी देख लेना, अगर आपको लिखने का इच्छा होगा तो आप लोग बुक में नोटबुक में लिख लो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो याद रखना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में जो हार्ड इंटरव्यू रहता है तो सब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो आप लोग याद रखना और संभव होगा तो नोटबुक में ऐड कर लेना, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट, तो एक बार में जब गियर जब रन कर रहा है तो एक टाइम में जितना जितना एक टाइम में जितना टीथ कॉन्टैक्ट होगा उसी से रिलेटेड है। द कॉन्टैक्ट रेशियो और नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्किल, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो रेशियो है किसका, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट में कितना नंबर ऑफ टीथ एक बार में आपको कॉन्टैक्ट में रहता है वो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को समझने में कि सर लेंथ ऑफ आर्क आप बताए, तो लेंथ ऑफ आर्क तो बताए आप दो टीथ के लिए, एक पेयर ऑफ टीथ के लिए जो कि ईयर का रहेगा और एक पिनियन का रहेगा जो एक बार में मेस करेगा, और पीसी तो आपका सर्कुलर पिच है, ठीक है, सर्कुलर पिच या उसका लेंथ, पीसी आपका सर्कुलर पिच है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो से आप डिफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों की, सर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है फिर नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट कहाँ से आ रहा है बीच में, तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो होता है ना, जितना नंबर ऑफ टीथ एक बार में कॉन्टैक्ट में होता है
वो हम लोग लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं पिच सर्किल से, उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट रेशियो बोलते हैं। ये जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट है, सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे कि जब गियर रन कर रहा है तो एक बार में एक से एक केवल एक ही टीथ मेस पे नहीं होता है, एक टीथ जब मेस हो रहा है तो एक टीथ मेस खत्म होने से पहले दूसरा टीथ ऑलरेडी मेस स्टार्ट हो जाता है, कर जाता है, तो एक बार में एक से ज्यादा टीथ आपका उसमें मेसिंग पॉइंट पे होता है एक दूसरे से, गियर और पिनियन वाला का नंबर ऑफ पेयर जो होता है टीथ का मेस का वो एक से ज्यादा होता है, तो उसका लेंथ दोनों का अगर दो रहेगा तो दोनों का कॉन्टेक्ट आर्क ऑफ लेंथ कितना होगा वो हम लेंगे और उसको फिर पिच सर्किल से डिवाइड करेंगे तो कॉन्टेक्ट रेशियो आप मिलेगा। उसी तरह से गियर रेशियो, गियर रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन। ठीक है, आसान है, नंबर ऑफ गियर, गियर रेशियो क्या है, तो जो गियर ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइवर रहता है उसको गियर बोलते हैं, जो ड्रीवन हो रहा है उसको पिनियन बोलते हैं, तो ड्राइवर पे जितना नंबर ऑफ टीथ है डिवाइड कर दिए ड्रीवन पे जितना नंबर ऑफ टीथ है तो हमको गियर रेशियो मिल जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, खास करके गियर रेशियो और कॉन्टैक्ट रेशियो का डेफिनेशन और निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग टेक, ये सब उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना आज छोटा ही लेक्चर रख रहे हैं, बाकी रहा आपका न्यूमेरिकल, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, आपका गियर में आप लोग का इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गियर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, एक दो क्लास में न्यूमेरिकल भी खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, और इतना तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए गियर का, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आप लगा में हो जाएगा, दोबारा देखिएगा गियर का वीडियो, और बुक वगैरह से हेल्प लीजिएगा अगर अवेलेबल है आपको, मेरा नोट्स है उससे हेल्प लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, ठीक है, आज स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।